हम लोग जो है आज फिजिक्स को क्या देखने जा रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स को, है ना। हम लोग पढ़े कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, है ना। अभी तक पढ़े हैं सिर्फ, उसको देखे हैं क्या? नहीं देखे, है ना। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखें, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का, है ना। तो सिर्फ हम लोग रट लिए हैं कि जो है इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, रे इस तरह खींच देंगे, वैसे वैसे ये सब देखे हैं हम लोग, है ना। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, है ना। सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे आज, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हु कैन से? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। मीन्स वी आर स्टडी देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ विच गोइंग टू टेक्स प्लेस और विच टेक्स प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। दोज रिफ्लेक्शंस आर व्हाट? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर वन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाउ आई हैव अ लेजर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना, एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड आई एम इंसिडेंटिंग दिस लेजर टू द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, है ना। द वॉल ऑफ द क्लासरूम इज रफ, सो द रिफ्लेक्शन विच टेक प्लेस हियर विल बी इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। मीन्स देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन विच वी कैन सी फॉर द लाइट, है ना, फॉर दैट लाइट, है ना। हम लोग कोई तरह का जो है रिफ्लेक्शन इस लाइट का हम लोग को नहीं दिखेगा, है ना। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। द सरफेस शुड बी प्लेन एंड पॉलिश्ड, है ना। तो नाउ आई हैव अ प्लेन मिरर एज अ पॉलिश्ड सरफेस। नाउ आई एम गोइंग टू इंसिडेंट दिस रे ऑफ लाइट ऑन दिस प्लेन सरफेस एंड now we can see the reflection of this light, now we can see the reflection of the light, hai na, sabhi tum log dekh pa rahe ho usko, hai na, this is the reflection of light. Regarding the reflection of light we study the laws of reflection. What are the laws of reflection? Can anyone say? Angle I is equal to angle R. Angle I is equals to angle R. And the first law? First law the point of incidence, the point of normal and the point of reflection, these all lie on the same plane, है ना। तो using the demonstration we will observe these two laws of reflection, है ना। अभी देखो हम एक incident point यहाँ लगा रहे हैं, है ना। यहाँ का जो reflection हो रहा है, उस reflection जो हो रहा है उसका जो point है वो यहीं पर है, इसी प्लेन पर है, इसी पॉलिश्ड सरफेस के प्लेन पर है, है ना। और अगर इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम एज्यूम करें तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू ईच अदर, है ना। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आफ्टर द रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी स्टडी इन द रिफ्लेक्शन चैप्टर ऑफ लाइट दैट इज व्हाट? द इमेज फॉर्मेशन, है ना, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन। और इन द इमेज फॉर्मेशन वी स्टडी अबाउट टू लेंस, टू मिरर्स, है ना, टू मिरर्स, है ना। व्हाट आर दोज मिरर्स? कनकेव एंड कन्वेक्स, है ना। तो हियर आर द टू मिरर्स, दीज आर द टू मिरर्स, है ना। वन ऑफ one of these is concave and one of these is convex, but how can we distinguish these two type of mirrors, hai na, but how can we distinguish these two type of mirrors and do we have don't have to touch them? The instruction is that what
यू डोंट हैव टू टच देम, ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना। हाँ, जो कर्व रहता है उसको कोई और जिस जो इसमें से कन्वेक्स मिरर होगा, है ना, वो हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, है ना। देखो ये एक कन्वेक्स मिरर है जो कि तुम्हारे पूरा क्लास का एक ही साथ इमेज बना दे रहा है। इतना बड़ा क्लासरूम, इमेज इतना छोटा मिरर में, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बन गया, है ना। लेकिन इसमें जो है कोई एक पार्ट का इमेज बनेगा क्या? अगर हम मान लो कि इसमें तो इमेज बना नहीं, मान लो ये मेरे पहले ये मेरे हाथ में आ जाता, अभी तो कन्वेक्स आया था तो देख के पता कर लिए कि हाँ मैं डिमिनिश्ड इमेज बन रहा, है ना। लेकिन अगर ये पहले मेरे हाथ में आ जाता तब क्या करते? तब इसको अपने चेहरे के सामने ले जाते, है ना, और हमको अगर एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता तो हम उसको बोल पाते क्या कि वो एक कनकेव मिरर है, है ना। और अगर इस मिरर को हम अपने चेहरे के सामने ले जाएंगे तो हमको पूरा चेहरा का इमेज दिखेगा, है ना, दैट इज डिमिनिश्ड इमेज। और इसको अगर ले जाएंगे चेहरे के सामने तो कैसा इमेज दिखेगा? मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, है ना। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें हमारे पूरा चेहरा का इमेज एक बार में दिख जाएगा, लेकिन जो एक कनकेव मिरर होगा उसमें क्या दिखेगा? मैग्नीफाइड दिखेगा और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज दिखेगा। बुक रख दो जी। वी आर पुटिंग दिस कनकेव मिरर हियर, है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ पोल, है ना, दिस इज द पोल, है ना, ऑफ दिस मिरर, है ना, ये जो है पोल है, दिस विल बी द फोकस एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ठीक है। अब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नाउ वी हैव कैंडल एज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मिरर एंड दिस इज द मिरर होल्डर, है ना। फिर इज द स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ पे है, ले आओ उसको। एंड दिस इज द स्क्रीन, है ना, वेयर वी विल obtain the real and the inverted image. On the screen, real position of the object is what? Between pole and focus. है ना, पोल एंड फोकस। और हम लोग जानते हैं पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है? मैग्नीफाइड बनता है, है ना, मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, है ना। तो नाउ एवरी वन कैन सी द इमेज विच इज फॉर्मिंग ऑन द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इन साइज, है ना, एवरी वन कैन ऑब्जर्व, हर कोई देख सकता है उसको, ठीक है। नाउ वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस, है ना, फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। आप बताओ इमेज कहाँ बनेगा जी? इन्फिनिटी में बनेगा इमेज, है ना, तो इन्फिनिटी में देखो। नाउ वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पुटिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारा इमेज बनेगा वो बिहाइंड द लेंस बनेगा और वो वर्चुअल एंड और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। तो उधर से तुम लोग जाके देखो कि वो वर्चुअल इमेज दिख रहा है क्या मैग्नीफाइड, वर्चुअल इमेज तो दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, है ना, वो लेंस पे ही दिखेगा। अब जो है इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ले जाओ बियॉन्ड 2f ले जाओ, है ना, तो ये कहाँ बनेगा? बिटवीन 2f एंड 2f बनेगा। और कोई डिमिनिश्ड इमेज बनेगा? यस, है ना, देखो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना। और जो है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में ले जाओगे तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, इंफिनिटी पे। पॉइंट साइज का इमेज वहां पे मिलेगा हम लोगों को फोकस पे, है ना। तो हटा था और क्या हो गया खत्म? सचिन कैमरा अभी जो इमेज दिखेगा कहीं लाइन और एक्स कैमरा था, अब बात कर रहे हैं।
हम लोग चेंज करते हैं इस लेंस को, है ना, डालते हैं इस कॉनकेव लेंस, है ना। अब देखो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो जो हमको इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। और जब इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, है ना, तो जो इमेज बनेगा वो डिमिश्ड बनेगा, है ना, हाईली डिमिश्ड, है ना, और वो फोकस पे बनेगा, है ना, नहीं देख रहा, बिहाइंड द लेंस, है ना, हाँ बहुत छोटा ही पिक्चर। अरे भाई उसके आगे रखो, ठीक है, फिर से रखना एकदम हाईली डिमिनिश्ड, एकदम बुलेट पॉइंट डॉट टू डॉट, ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अगर इसका हाइट कैसे मेजर करें, तो हाइट का मेजरमेंट जो है, देखो उसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करके इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब का जो रिलेशन अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना।